वैसे भाई पिछली वाली वीडियो थोड़ा सा रिकैप दूं मैं तुम्हें, तो पिछली वाली वीडियो में जिस लौंडे की हमने कुटाई करी थी उससे पिछली वीडियो में, उसके बाप ने हमें बुलाया था मिलने के लिए और भाई हमारे उससे मैटर वैटर हो गया था, गाली वाली बक के आ गए थे उसे अच्छे से, ठीक। वो हमारे से पंगा लेने के लिए गया था, हमने भाई उसे सीधा सा कर दिया है ना, क्योंकि भाई गलती उसी की लौंडे की थी, ठीक है। अपने लौंडे की तो साइड ले जाता, ठीक है भाई लोग। तो एक और दिन और चलते हैं अपने धंधे पे, देखते हैं कौन सी कार है सिमियोन ने भाई। अच्छा भाई ये नई वाली स्कॉर्पियो है। ओ भाई सिमियोन तो बड़ी सही सही गाड़ी भेज रहा है, और भाई स्कॉर्पियो एकदम लेटेस्ट मॉडल वाली भेजी है, मतलब जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी वो नहीं है भाई, ये एकदम नई वाली है। बढ़िया भाई नई वाली स्कॉर्पियो तो काफ़ी सही है, मैंने देखी नहीं अभी नई वाली स्कॉर्पियो है सच। वो भाई एकदम से तेज भी काफ़ी चल रही है ये, ठीक है। वैसे मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ भाई, देखने में तो काफ़ी तगड़ी लग रही है, पुरानी स्कॉर्पियो से मिलती जुलती लग रही है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो फॉर्चूनर का बच्चा हो भाई, दोनों को मिला रखा है कतई। लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी बढ़िया लग रही है नई वाली स्कॉर्पियो, और भाई टेल लैंप भी पिछली वाली स्कॉर्पियो से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। और भाई सनरूफ है एक तो इसके अंदर, और एक बार मैं तुम्हें इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, है ना। नोवा फॉर्चूनर स्कॉर्पियो सबका मिला जुला सा बना रखा है कुछ, है ना, नई वाली स्कॉर्पियो। खैर ये भाई स्टीयरिंग व्हील बेहतरीन भाई, अंदर से ऐसा लेदर जैसा दिखने वाला इंटीरियर है, और ये फ्रंट वाली सीट है, उसके पीछे एक सीट है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई इसके पीछे सीट है, तीन रो में है इसकी सीट। और भाई एकदम मतलब फेमस फेमस कार भेजा है सिमियोन आजकल, है ना। सही है फिर भी, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है मैन्युएबिलिटी, और ओ भाई आर्मी वाले बंदे का टारगेट मिला है मैं पहला, और भाई ट्रक व्रक चल रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आर्मी वालों के, पूरी घेराबंदी से मचा रखी है, अभी ढूंढना पड़ेगा इनमें से वो बंदा कौन सा है एग्जैक्टली। ठीक है भाई वो है आगे जो बंदा है, वो भाई यहाँ पे लॉस सैंटोस में कोई तकड़ी डील करने आया है। वो भाई शेख ने से ट्रक में बिठा के भेजा है, इसमें सामान वामान ढोने वाले ट्रक में, चारों तरफ अपने आर्मी के ट्रक लेके चल रहा है, सामान ढोने वाले ट्रक में आया, लेकिन इन बंदों ने भी हमें घेर लिया है, तो यहाँ से ऐसा शांतिपूर्वक भागने में ही भला ही है ना। और हमने क्या कहते हैं अभी यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब निकाल रखा है अपने हाथ में, नहीं हाँ प्रॉक्सिमिटी माइंड लगा के भाग जाता हूँ मैं, ठीक है सर मैं जा रहा हूँ, ठीक है ये ले भागो भाई, जैसे ही ट्रक खिले डुलेगा खत्म, यही तो ताकत है प्रॉक्सिमिटी माइंड की भाई साहब, लैंड वाइंड लगा के कतई पूरे काफिले को एक साथ उड़ा दिया, बड़े आए दुबई वाले। ठीक है तो भाई इस बार हमें शेख के किसी बंदे का कॉन्टैक्ट नहीं मिला, इस बार हमें वैसे ही जनरल हिट मिली है, ठीक है तो इसे क्या कहते हैं ठोकना हमें, ये शेख के लिए काम नहीं करती भाई, फीमेल है कोई है, ठीक है इसके सामने लगा देते हैं गाड़ी। और भाई रोक ली भाई, इसे पता लग गया, खड़ा हो जल्दी, हाँ आ जा गिर गई भाई, अब आ जा भाई साहब, गोली चलाई थी हमने, क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी इसलिए बच गए, लेकिन भाई साहब पेल दिया ये ले तेरी। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमारे पास एजेंट का फ़ोन आया था, और हिट करते करते रात हो गई हमारी, और उसने कहा है कि कोई स्पेशल टारगेट है जिसे कि अभी हमें ठोकना है, तो उसने कहा है कि भाई एक बंदा है, उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उसका जो टारगेट है जो एलिमिनेट होना है उससे मीटिंग करनी है हमें जाके, ठीक है मिलना है उससे, और भाई फिर वहाँ पर उसे ठोकना है, यहीं कहीं इस आस पास के इलाके में है वो, उसने लोकेशन दी है हमें एजेंट 47 ने, और भाई ये कहा है कि तुम्हें उसे वहाँ जाके ठोकना है, और मतलब नॉर्मल बंदा बन के जाना है एकदम, हमने अपने कपड़े भी चेंज कर रखे हैं, और भाई क्या कहते हैं वेपन भी नहीं हमारे पास कोई, क्योंकि एजेंट ने कहा है कि वहाँ पे वेपन ले जाने के लिए उसने मना करा है, क्योंकि वहाँ पे जो है पुलिस की चेकिंग वगैरह हो सकती है, तो इससे हम ऐसे जा रहे हैं बिना वेपन के, और वो उसने कहा है कि वो अकेला ही बंदा रहेगा है ना, तो इसलिए उसे ठोकना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ इस वाली गली में आने के लिए कहा है, और यहाँ पे अपन मस्त गाड़ी से निकल के खड़े हो जाते हैं एक बार। ओ भाई यहाँ तो गाड़ी आ गई, आर्मर्ड कार आ गई यहाँ, अबे यहाँ कुछ गलत सीन तो नहीं होने वाला, उसने तो कहा था वो अकेला आएगा वो भी बिना उसके, भाई इधर की साइड भी आर्मर्ड कार है भाई, यहाँ से हटना पड़ेगा
भाई मैं क्या करते हैं इसके इसके पीछे छुप जाता हूँ। ओ भाई दोनों तो गोली चलाना शुरू कर दिया हमारे साथ दुबकते ही। ओ भाई दोनों तरफ से बजाए जा रहे हैं गोली भर के बड़ी। ओ भाई गाड़ी उड़ा दी आज इन्होंने हमारी, अभी भी गोली चलाने लग रहे हैं। ठीक है भाई लोग, तो अभी इन्होंने एकदम से गोलियां चलाना बंद कर दिया है और लेकिन खड़े तो अभी भी हैं वहाँ अपने आर्मर्ड व्हीकल लेके। ओ भाई लेकिन गोलियां चलाने उन्होंने बंद कर दिया है। ठीक है भाई लोग, तो अभी क्या कहते हैं वहाँ से अनाउंसमेंट हुई है कि हम तुम्हें शूट नहीं करेंगे गोली नहीं मारने के। अब एक गाड़ी खड़ी है बाहर, ठीक है उसमें आके बैठ जाओ। तो भाई चलते हैं और भाई वहाँ से ये कहा कि अगर हमें तुम्हें मारना होता तो अभी तक हम तुम्हें मार चुके होते, बस हम तुमसे मिलना चाहते हैं। और भाई इन्होंने यहाँ पे रास्ता भी बना दिया गाड़ी तक जाने के लिए। भाई क्या रोल्स रॉयस है क्या भाई? रोल्स रॉयस है सफ़ेद कलर की, सफ़ेद रोल्स रॉयस फैंटम। भाई चलते हैं भाई इसके अंदर, ठीक है देखते हैं क्या सीन है। और ये भाई अपनी फुटी हुई स्कॉर्पियो भाई पूरी फोड़ दी इन्होंने, उड़ा दी बिल्कुल बम से, तो बम से क्या गोली मार मार के भाई पूरी बर्बाद कर दिया। क्या है भाई शीशे वीशे सब खत्म कर दिए। खैर अंदर जाके देखते हैं एक बार। ठीक है भाई लोग, तो इस गाड़ी के अंदर ना जो रोल्स रॉयस फैंटम थी उसके अंदर लेस्टर था, और अभी हम है भी दूसरी लोकेशन पे और हमें कूटपीट रखा है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं उसका सब कुछ बताता हूँ तुम्हें कि हुआ क्या था अभी तक, है ना। तो भाई जैसे कि हम लेस्टर से मिले थे तो भाई हमने उससे कही कि ये तुम हो और हमें तो तुम्हें ठोकने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, हिट मिली थी तुम्हारी, तो उसने कहा कि मैंने ही दी थी और ये मेरे मिलने का तरीका है, और ये जो हिटमैन सर्विस जो तुमने ज्वाइन कर रखी है वो ही मेरी है। एजेंट 47 ने भाई हिटमैन 3 खत्म होने के बाद लेस्टर से कॉन्टैक्ट करा था और भाई उससे मिला था, तो लेस्टर ने उसके लिए ये हिटमैन सर्विस शुरू करी थी। तो हमने कहा कि भाई वो सब तो ठीक है लेकिन फ्रैंकलिन और माइकल को तुम्हारी जरूरत है, उनके पीछे शेक पड़ रखा है ढंग से। तो उसने कहा कि वो दोनों मेरे पास हैं, और भाई इसने मैं ये बताया कि यही उन दोनों का बॉस है, जिस बॉस के पास फ्रैंकलिन जाने के लिए कहते हैं ना माइकल को, यही है वो बंदा। फिर इसने भाई साहब पूरी हिस्ट्री बतानी शुरू कर दी अपनी। इसने कहा कि जब हमारे पीछे पुलिस पड़ी थी और मतलब बिल्कुल हमारा वॉन्टेड लेवल हो गया था बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब ऐसा सरकार का पीछे पड़ गई थी, तो इसने जाके एक कोई नेता था मिनिस्टर था कोई बहुत बड़ा, उसके साथ में जाके बात करी थी, उससे कहा था कि हम जो है मतलब वही जो ऑफर मैंने तुम्हें बताया था पहले वही सेम स्टोरी थी, लेकिन उसमें ट्विस्ट ये है कि जब उसने कहा था ना मिनिस्टर ने कि मतलब तुम सारे सारे अलग अलग हो जाओ, तो ये असली में अलग अलग नहीं हुए थे, इन्होंने क्या करा था अलग अलग होने का नाटक करा था। इसने क्या करा था जो भी पैसे इसके पास थे उससे क्या करा, इसने सबको एक हाई प्रोफाइल काम करवा दिए, और मतलब हाई प्रोफाइल बंदा बना दिया जिससे कि कोई इन्हें वैसे ही ना पेल के चला जाए, है ना, और मतलब इनके अलग होने का कोई फ़ायदा ना उठा दे, और वैसे भी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में रहे थोड़े बहुत जिससे कि कोई इन्हें पेल ना दे अलग समझ गए। तो इसने क्या करा सबसे पहले तो माइकल को मूवी प्रोडक्शन का बिजनेस कराया, और भाई उस बिजनेस की आड़ में इसने एक इलीगल बिजनेस भी करवाया माइकल को साथ में, जो कि था मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब जो भी पैसा होता था इन लोगों का इलीगल उस सब को माइकल जो है ब्लैक से वाइट करता था, वो भाई अपनी मूवी में लोगों को पैसे दे के और जब टिकट खरीदवाता था। उसके बाद में इसने ट्रैवल को करवाया आर्म्स का बिजनेस, मतलब गन्स का, मतलब नॉर्मल एक गन स्टोर खुलवाया लाइसेंस्ड, लेकिन उसके आड़ में इन लोगों ने क्या करा वहाँ पे इलीगल वेपन्स बेचने शुरू कर दिए। उसके बाद में भाई फ्रैंकलिन को इसने खुलवाया होटल, होटल में क्या है भाई फ्रैंकलिन को ड्रग्स का धंधा शुरू कर दिया, मतलब जो भी फ्रैंकलिन के होटल थे उन्हें ड्रग सेलिंग का हॉटस्पॉट बना दिया। लेकिन इतना ही नहीं, इस सब के बाद में लेस्टर ने क्या करा भाई इन तीनों को भी सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए इन तीनों के साथ साथ एक पार्टनर को छोड़ा। तो माइकल के साथ तो लेस्टर ने रखा सिमियोन को, सिमियोन को भाई इसने कार डीलरशिप का धंधा खुलवा दिया, और वहाँ से ये एक तो सबके लिए जो आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह हैं उनका जुगाड़ करता था, मतलब जितना भी कार का काम होता है सारा सिमियोन के पास था, ऊपर से ये चोरी वोरी की जो गाड़ियाँ होती थी उन्हें भी सिमियोन के यहाँ से एडजस्ट करवाता था। उसके बाद में भाई ट्रेवर के साथ में इसने रखा रॉन को, रॉन को भाई तेल का बिजनेस करवा दिया काफ़ी तगड़ा, जो ट्रैवल के वेपन्स होते थे वो भाई लेस्टर तेल के अंदर डाल के, मतलब जो तेल के कंटेनर होते हैं उनके अंदर ट्रैवल के वेपन्स डाल के और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराता था एक देश से दूसरे देश, वैसे अगर कहीं आसपास जाने हो जैसे देश के अंदर अंदर जाने तो भाई सिमियोन की गाड़ियों के थ्रू करवाता था। उसके बाद में भाई लामार को इसने रखा फ्रैंकलिन के साथ, एक तो लामार को फ्रैंकलिन के जो होटल थे उनका मैनेजर बना दिया, उसके बाद में लामार को इसने गैंग ज्वाइन करवाई ग्रीन गैंग, और अपने पावर इन्फ्लुएंस के थ्रू उसे ग्रीन गैंग का लीडर बना दिया, और उसके साथ में इन सब की सिक्योरिटी के लिए इन सब का ध्यान रखने के लिए लेस्टर खुद इन सबको मॉनिटर करता रहता था, लेकिन इसे भी एक असिस्टेंट की जरूरत थी, तो इसने जो है
पेज हैरिस को अपना असिस्टेंट बना के और भाई उसके साथ रहना शुरू कर दिया। और वो भाई लेस्टर जितना भी हैकिंग वैकिंग का काम होता है, लेस्टर भी काफ़ी अच्छा हैकर है, लेकिन जो भी लेस्टर का हैकिंग का जो ग्रुप है बेसिकली, पेज हैरिस जो है उसकी लीडर है इस टाइम पे। और उसके बाद में जब एजेंट 47 मिला था लेस्टर के साथ, तो इसने हिटमैन सर्विस भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो पेज हैरिस है वो तो इन लोगों को इन्फॉर्मेशन ला के देती है टारगेट्स की, और भाई जो एजेंट 47 है वो उन्हें हिट करवाता है। तो इस तरह से लेस्टर के एक हाथ में इन्फॉर्मेशन और एक हाथ में पावर हो गई। तो भाई जब लेस्टर ने ये सब बताया तो हमने कहा लेस्टर से कि भाई तुम तो बड़े पावरफुल बंदे हो और मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तुम्हारा, तो ऐसे तो नहीं कहीं शेख भी तुम्हारा ही बंदा हो, भाई हम बेमतलब ही लड़ने लग रहे हो उससे। तो उसने कहा कि नहीं, शेख के साथ अलग सीन अलग है, वो भाई शेख जो है वो लेस्टर इतना ही पावरफुल है और उसकी मतलब काफ़ी बड़ा बिजनेस है भाई, वो एकदम लेस्टर जितना ही पावरफुल है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगा, है ना। और लेस्टर ने कहा कि लेस्टर एक बार शेख के पास तेल का बिजनेस करने गया था, तो भाई शेख ने कर दिया था इससे मना और इनकी लड़ाई वड़ाई बच गई थी काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में लेस्टर ने जैसे तैसे करके रॉन को शेख के बिजनेस में मिलवा दिया और अपने आप को ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा जिससे कि शेख पे हमला कर सके। तो एक बार इसने क्या करा भाई, माइकल को और जिमी को यानी कि हमें एक शेख की पार्टी में भेजा और वहाँ भाई माइकल को शेख के साथ में थोड़ी दोस्ती वोस्ती सी बनाई थी, जिससे कि बाद में उस दोस्ती का फ़ायदा उठा के माइकल जो है शेख को ठोक सके। लेकिन इतने में ही इन्हें पता लगा कि हमने जो है शेख की लोंडे से सेटिंग कर लिया है, तो इन्होंने सोचा कि चलो कोई नहीं, ये लोग फ्यूचर में हमारी इस चीज़ का फ़ायदा उठा के और हमारे से कह के शेख को ठुका देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा कि इससे पहले ऐसा कुछ होता, हमने भाई वो कांडी कर दिया था, शेख की लोंडिया को उड़ा दिया था, ठीक है, और भाई हमारे पीछे जो है शेख पड़ गया था। तो लेस्टर ने हमें घर से निकालने के लिए इससे कहा था जिससे कि ये लोग का नाम ना आ जाए शेख के मैटर में और शेख मतलब इन पर शक ना करने लगे और इनसे वैसे ही सीधी की सीधी लड़ाई ना बचे, क्योंकि सीधी की सीधी लड़ाई ये नहीं जीत सकते शेख से। उसके बाद में लेस्टर को जो हमारे पर हमला होने वाला था उसका ही पता लग गया था, लेकिन इसने फिर भी हमें नहीं बताया था, क्योंकि ये देखना चाहता था कि भाई हमारे भी कुछ दमवम है नहीं, या ऐसे ही भाई बाप के उसके ऊपर पावर के ऊपर ऐसे ही ख़त्म सिंह हो रखे हैं। लेकिन भाई जब फिर हमने उनसे बच के भाग गए थे बिना किसी वेपन के और वो हमारे कुछ खास नहीं उखाड़ पाए थे, तब भाई इसने एजेंट 47 से हमें रिक्रूट करने के लिए कहा था और हमें एजेंट 47 का फ़ोन आया था और इसने हमें आज से पहले अपने साथ ज्वाइन भी इसलिए नहीं कराया था, इसलिए कुछ नहीं बताया था, क्योंकि ये भाई हमें एक असली मर्द बनाना चाहता था, ठीक है, मतलब मजबूत लौंडा। और अभी से लगा कि सही टाइम है हमें बताने का और अपने साथ जोड़ने का और इस भाई शेख को ख़त्म करने का, तो इसे हमसे मिलने आया और इसने हमारे पर हमला इसलिए करा था जिससे ही किसी को शक ना हो, क्योंकि भाई लेस्टर सबसे छुप के और बच के रहता है और इसे ये भी अभी किसी को नहीं दिखाना पब्लिकली कि हम और ये साथ हैं, हमें ऐसा कुछ पता है, कुछ नहीं बताना इसे, क्योंकि इससे क्या है इसकी मुसीबत बढ़ेगी, इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हमारी भी ऊपर आफत आएगी, तो इसमें ना बताने भी दोनों का फ़ायदा है। इसलिए भाई इसने पहले तो हमारे ऊपर हमला करा, उसके बाद में भाई हमें कूट पीट के और भाई सड़क पे छोड़ दिया और भी हमारे से ये कहा कि तुम अपनी नॉर्मल हिटमैन वाला जॉब करते रहो और जो भी अब स्पेशल मिशन होगा, जैसे कि भाई पहले ट्रेवर या फिर फ्रैंकलिन देते थे हमें कोई स्पेशल मिशन, वो हमें बताते थे कि भाई जैसे मान लो कहीं पर हाइस्ट करनी है या फिर कुछ करना है तो वो हमें देते थे इस तरह का स्पेशल मिशन, वो दिलवाता और लेस्टर ही था। लेकिन अब क्या है भाई, लेस्टर डायरेक्टली हमें स्पेशल मिशन देगा और मतलब हमें सच्चाई का ही पता है, लेस्टर हमारे से डायरेक्टली कनेक्ट हो चुका है, लेकिन हमें ये चीज़ किसी को दिखाई नहीं बताया नहीं किसी को बताने लगने देनी। भाई आज तो मतलब यार कतई इतने सीक्रेट रिवील हुए हैं बहुत सारे, है ना, मतलब जो स्टोरी आज तक हमें बताई गई थी उसमें से तो कुछ भी सच नहीं निकला, हमें क्या बताया गया था भाई, क्या हो रहा था, मतलब लोगों को भी क्या पता था, क्या बताया जा रहा था, हो क्या रहा था असली में। तो भाई लोग आज वाली वीडियो में बस इतना, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो में जाए तो तुम्हें पता क्या करना है, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब भर के एकदम। और भाई साहब यार आज बहुत सारे सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, तो मतलब बनता है यार लाइक वाइक, है ना, और क्या भाई मिलते हैं अगली वीडियो में।